हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और आपके लिए बेहद जानना ये जरूरी है कि आखिर रेलवे ने अपनी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या चेंज किया है, आखिर क्या क्या है उन्होंने अपना चेंज किया है। जो पुराने रूल्स को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने ALP में ना करवाया, ना ही उन्होंने ग्रुप डी के अंदर करवाया और ना ही उन्होंने पिछली जो एग्जाम हो चुकी है अब तक की उसमें नहीं कराया, जो कि अब आरआरबी जेई के अंदर करने जा रही है। तो आखिर क्या करने जा रही है अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स सीधे करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपकी सीधे ही आपकी दैनिक भास्कर की जो ई पोर्टल पर हूँ और वहाँ पे आपकी जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रेलवे 13,487 पदों के लिए 31 तक आवेदन, दो पार्ट में होगी एग्जाम। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पाएगा था नोटिफिकेशन के माध्यम से मिली गई होगी और इसको आपने पढ़ भी लिया होगा कि किस से वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा नीचे चलते हैं। आपको ये न्यूज़पेपर मेरे पास दैनिक भास्कर का है, जो आपका यहाँ आपको देख रखी हो कि 9 जनवरी को आपकी इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या सीधे ही आपकी जो इन्होंने बोला कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के 1,00,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही एक और भर्ती निकाल ली है। रेलवे ने पहले ही जूनियर इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इस भर्ती के माध्यम से करीब 13,487 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इंजीनियरिंग की हुए अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। रेलवे इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी 2 जनवरी से शुरू कर दी है। अगर आप भी इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर इसके अप्लाई कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, साथ साथ में क्या है तो इसे बताने से मेरा कोई फायदा नहीं है। जो मेन टॉपिक मेरा है, जो आपका एग्जाम पैटर्न में जो चेंज किया था, वो आपको मैं सीधे ही बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने क्या है, ये सीधे ही टेक्निकल पार्ट के लिए उन्होंने क्या है, सीधे ही आपकी AJEE की भर्ती निकाली। उसमें आपकी CBT फर्स्ट और CBT सेकंड होने वाला है, जिसमें CBT फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग होगा, केवल छटाई के लिए होगा। उसमें केवल आपको क्वालिफाई ही करना है और लेके आना है। ठीक है, उसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो सिलेक्शन आपका होगा तब केवल CBT 2 के ही एग्जाम में जो मार्क्स लेके आओगे उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और उसी पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो CBT 2 सबसे मेन चीज़ है। वो आखिर पैटर्न में क्या चेंज किया है, पैटर्न में आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी जो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इसका संकेत रेलवे ने दे दिया है। आपका CBT 2 का जो पैटर्न है वो आपका टेक्निकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट होने वाला है। तो उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा तुम्हें न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिकल के जो भी आपके टेक्निकल के जो सवाल हैं वो मिलने हैं, और ऐसे सवाल मिलने वाले हैं, हो सकता है कि उनका पैटर्न इतना हार्ड हो कि आपको वो कैलकुलेशन करने बैठो तो आपको इतना टाइम लग जाए कि उसको करते करते आपका कम से कम 5-6 मिनट ख़राब हो जाए। तो इसकी समस्या से रिहा देने के लिए रेलवे ने उन्होंने क्या किया, अपना कैलकुलेटर, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपकी, एक कैलकुलेटर को ले जाने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो पैटर्न मिलेगा CBT 2 के अंदर जो पैटर्न मिलेगा उसमें आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको भाई कहता रफ कॉपी से करना चाहो तो उसमें बहुत टाइम मिलेगा आपको। ऐसे वैसे कॉर्ड या एंगल और कुछ ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, तो उसको सॉल्यूशन शीघ्र करने के लिए और साथ साथ में क्या एक्यूरेसी के लिए उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेटर को ले जा सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं ले जा सकते हो। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते हो। तो ये एक सुविधा सबसे बड़ी रेलवे ने दी है, वो है आपके कैलकुलेटर ले जाना। ठीक है, वो भी ओनली फॉर JEE की CBT 2 के अंदर, CBT फर्स्ट में नहीं दी है, ध्यान रखना CBT फर्स्ट में नहीं दी है बल्कि CBT 2 के अंदर दी है। CBT 2 में ही आप अपने कैलकुलेटर ले जा सकते हो और वहाँ पर न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी रियायत दी है, क्योंकि इससे पहले रेलवे ने किसी भी परीक्षाओं के माध्यम से पहले भी RRBJEE की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी अलाउ नहीं किया था। बस इसी साल क्या है, पैटर्न में चेंज किया है, एग्जाम पैटर्न में चेंज किया उन्होंने और इसी साल से उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ किया है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचानी थी और आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, साथ में शेयर भी करना, साथ में फ्रेंड्स को भी बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़, तब तक के लिए बाय।